साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो। मोहम्मद शफी गुजर है तो सर आलन के रहने वाला, तो मसला तो हमारा यही है सर कि मैं पूरे गांव की बात बोल रहा हूं सर, मैं एक मोहल्ले की बात नहीं बोल रहा हूं या अपने घर की बात नहीं बोल रहा हूं सर, कि हमारी पहली दिक्कत यह है सर, यहां गवर्नमेंट ने पहले हमें यहां पावर दी तो कम से कम 200-250-300 घर यहां पे रहते हो हम गुजर, तो एक ही ट्रांसफार्मर में सर 8-9 दिन के बाद खराब हो जाती है, तो कभी अंधेरे में रोक रहते हैं, तो रह गया अगर किसी के पास उसकी बिल शिल होगी बकाया तो वो तो गवर्नमेंट का कर्जा वो देना है, वो माफ नहीं होगा सर। तो लेकिन रह गई बात हमें प्याची वालों की बात, यहाँ टैंकी बनी है, एक टैंकी उसको तकरीबन 8-10 साल हो गया बनी हुई, तो खाली बना के रखी है सर यहाँ पे वो टैंकी, तो पानी उसके बीच कुछ नहीं है, खुद भी आप जाइए यहाँ डीसी साहब के मतलब हम गुजारिश करते हो वो अपनी कोई भी टीम भेजे यहाँ पे तो आगे देखे वो टैंकी हमारी का क्या खस्ते हाली हुई है, तो हम तो गंदे पानी नालियों के पानी पी रहे हैं और हमारे बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, हम खुद भी बीमार हो रहे हैं। तो सर बाकी मसला हमारा ये है रोड का, तो रोड दो यहाँ पे कटाई करके कच्ची रोड रख ली है अस्थान मल्ला और कूटपत, तो रोड की कोई मतलब कोई भी सरकार ने किसी मतलब एक बार ही कटाई की और बाकी फिर मुड़ के किसी ने देखा नहीं है। तो सर हम अस्पताल है यहाँ पे, हमने कई बार गए उधर इधर, हमने बोला यहाँ पे कोई अस्पताल होगा, कोई डॉक्टर शाक्टर होगा, देखो कोई बीमार होता है कुछ भी होता है, तो सर यहाँ कोई अस्पताल के ऊपर कोई डॉक्टर छोड़ा नहीं कुछ नहीं। हमारी हिसाब से अगर मौजूदा हुकूमत से ये अपील है अगर लेकिन हमें गुजर तबका को इंसाफ अगर वो करेंगे हमारे पे तो सर खुदा के वास्ते इंसाफ करके हमारी इस बात को किसी मकाम तक पहुंचाना और ये हमारे मसला हल होना चाहिए सर। सर मेरा नाम अब्दुल गनी हालन से पांचा, तो सांगो मल्ला बिल्कुल इसमें ना कभी हमने वाटर पानी देखा, जहाँ जिस वक्त भी देखते थे नल के पाइप टूटे हुए, पानी नहीं बिल्कुल, जाते बच्चे स्कूल तो 2 बजे छुट्टी 1 बजे छुट्टी, उनको बोलते हैं पढ़ा कुछ, बोलते हैं कुछ नहीं पढ़ा, समय नहीं आता। रोड है अस्थान नाड़ी की हमारी, उसको हो गया 1 साल तकरीबन काम लगा हुआ, आज तक उसका कुछ नहीं हुआ सर, समय नहीं आती हमारे साथ क्या नाइंसाफी हो रही है, गुज्जर समझ कर हमें पीछे छोड़ा है, यहाँ कोई अफसर है कोई भी है डॉक्टर है कुछ है, हमारे इधर डॉक्टर गाय का डॉक्टर आता था आज वो भी नहीं, हॉस्पिटल पड़ी है नीचे तो वो भी बिल्कुल बंद सार पड़ी हुई है, उधर कोई डॉक्टर नहीं, आज गर्मी की वजह से बहुत हम मार रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे इनको लेकर जाना पड़ता है हमें लामड़ में, ना कोई गाड़ियां मिलती है यहाँ ना कुछ पावर, बिल्कुल एक मट्टी दी हुई है, कम से कम 300 घर है उसी एक मट्टी पर, वो रोज जल जाती है, बोलते हैं पावर वालों को तो वो बोलते हैं इसमें दे दो फीस, दे दो हमें ये कर दो वो कर दो, फीस भी तो बिल्कुल भरेंगे मगर वो तो हमारा कर्जा है, वो हमने भरना तो जरूरी है, मगर पावर कभी देखी नहीं यहाँ हमने वो, बस डीसी साहब से ये हमारी अपील है कि हमारे गरीबों गुज्जर को कुछ इंसाफ मिलना चाहिए बस, और कुछ नहीं सर।